वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार ने जैसे ही कृषि कानून वापस लिए, देश का किसान खुशी से झूम उठा। मिठाइयां बांटी गई, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मोदी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया गया। सिर्फ इतना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी। लेकिन इसके साथ ही जो अब होने वाला है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी हाँ, शायद कानून वापस लेने के फैसले को वामपंथी गिरोह और लिब्रांडुओं ने मोदी की हार मान ली है, उन्हें कमजोर समझ लिया है। इसलिए अब कुछ कट्टरपंथ और वामपंथी नेता कृषि कानून के बाद अब सीए और एनआरसी कानून को वापस लेने की भी मांग तेज कर रहे हैं। इस बीच अब यूपी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले असउद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान दे दिया है, एक भड़काऊ बयान दे दिया है, जिसे यूपी की राजनीति में तो हड़कंप मचा हुआ ही है, साथ ही यूपी की जो वहां पर सहनशीलता होती है, जो कि वहां पर एक भाईचारा है, उस पर भी दाग लगा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया है कि बहुत जल्द सीएए और एनआरसी के लिए भी फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा, और जिस तरह मोदी ने किसानों के आगे घुटने टेके, ठीक वैसे ही सीएए और एनआरसी को भी वापस लिया जाएगा, वरना उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली का शाहीन बाग बना दिया जाएगा। और जिस तरह सीए आंदोलन में दिल्ली में आतंक का माहौल बना था, उत्तर प्रदेश में भी वही बनेगा। बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह ताला, याद रखो। हम खुद आएंगे यहाँ पर, हम मुतालबा करते हैं कि सीडब्ल्यू का कानून वापस लिया जाए, और ये जो किसान है वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। तो सुना आपने, ओवैसी का यह भड़काऊ बयान इस बात की चेतावनी दे रहा है कि जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, अगर सीएए और एनआरसी कानून वापस नहीं लिया गया तो योगी सरकार में यानी कि यूपी में भी वही दंगे दोहराए जाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि उनका बयान खुद बता रहा है। लेकिन उन्हें कोई यह बताया कि केजरीवाल का नहीं बल्कि योगी राज का गढ़ है, जहां पर दंगाइयों को घर से निकालकर जेल में ठूस दिया जाता है और नुकसान की भरपाई के लिए दंगाइयों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। तो भाईजान ओवैसी, जरा संभल जाइए और संभल कर बोलिए, कहीं आपकी संपत्ति पर भी योगी की मोहर ना लग जाए। ऐसे भड़काऊ बयान देकर उत्तर प्रदेश की एकता को ना तोड़िए। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।